क्या कह रहा है भाई फिल्म में? सॉरी, विषय क्या है इस फिल्म का? किस तरह से जुड़े हैं, क्या किरदार निभा रही हैं, कितने उत्साहित इस फिल्म को लेकर? इस फिल्म का टाइटल है गन वाली दुल्हनिया। टाइटल से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट बहुत ही कॉमेडी होगा और रोमांस होगा, इसी तरह का सब्जेक्ट है पूरा। आई थिंक कह सकते हैं फीमेल ओरिएंटेड। इससे पहले भी मैंने जो सब्जेक्ट किया वो भी फीमेल ओरिएंटेड था एंड ये भी फीमेल ओरिएंटेड है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर मी कि मुझे यू नो फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर्स मिलते हैं। और थिएटर से हूँ तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि जहाँ खूब सारा परफॉर्म करने का हो मुझे वो काम मिले। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हमेशा से एक्साइटेड रहती हूँ। और रही बात काम की एक्साइटमेंट की, तो मैं थिएटर से हूँ किसी भी कैरेक्टर को जीने के लिए। हम लोग शूटिंग के पहले, ऑन फ्लोर जाने के पहले उस कैरेक्टर में वो जीने की कोशिश करते हैं। तो शायद ऐसी ही तैयारी इस प्रोजेक्ट की भी है। तो जो फीमेल सेंट्री का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा उस कैरेक्टर को प्ले करना, तो किस तरह से तैयारी करेंगे इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? बिल्कुल सही बात है, काफ़ी चैलेंजिंग है। और मैं तो ये कहूँ कि जब भी किसी प्रोजेक्ट से मैं जुड़ती हूँ या मुझे मौका मिलता है तो मेरी पूरी तैयारी ऐसी होती है कि उस कैरेक्टर को जीने के लिए फ्लोर पे जाने के पहले उसको हम अपनी जो यू नो रूटीन वर्क जो होता है, जो हमारी डेली रोज़मर्रा की लाइफ होती है, उसमें हम उस कैरेक्टर के साथ ही जीते हैं। जैसे कि जब हम फ्लोर पे जाएं तो ऐसा ना लगे कि हम एक्ट कर रहे हैं, लगे कि यस दिस इज़ पार्ट ऑफ माई सेल्फ एक्चुअली। सो शायद हमें कैरेक्टर्स को जीने की ऐसी तैयारियां शुरू हो जाती हैं जो कहते हैं कि 24 घंटे चलती रहती हैं। कोई हम उसको पर्टिकुलर टाइम नहीं देते कि नहीं हम 2 घंटे इसको टाइम देंगे या 1 घंटे टाइम देंगे, वो पूरे दिन ही हमारी पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहता है वो कैरेक्टर। और आपके अलावा और कौन से कलाकार प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं? मेरे ऑपोजिट जो को एक्टर है वो मयूर है, मयूर कुमार। और बाकी जो है सपोर्टिंग रोल में वो मार्केट पे है, कि गोविंद सर है, गोविंद नामदेव, विजेंद्र काला जी, ऑलरेडी मैंने उनके साथ कवर की हुई है, वो हैं। इसके अलावा और कोई काम कर रही हैं? इसके पहले मेरा एक प्रोजेक्ट रिलीज होने वाला है प्रकाश जी प्रोडक्शन का, फ्रॉड चाहिए, जो मैंने अर्षद वारसी के साथ किया था, तो वो उम्मीद है रिलीज होने की। और वो फिल्म रिलीज होने में है ये है। और नेक्स्ट इसकी शूटिंग हम लोग कर रहे हैं सितंबर से, उसके बाद मेरी 2 फिल्में हैं साउथ की, तो आई थिंक बैक टू बैक है प्रोजेक्ट्स। और मुझे लगता है मेरी शुरुआत है और अभी तो बहुत आगे चल रही है। थैंक यू। थैंक यू।